बड़ा सा गड्ढा खोदते हैं, यानी बड़ा वाला गड्ढा खोदेंगे, उसके बाद जिसमें बारिश का खूब सारा पानी भर जाए, जैसे आप लोगों ने कहा कि बारिश का यानी जो वर्षा है, वर्षा जो होती है तो बड़े वाले गड्ढे में वह पानी, बारिश का जितना भी पानी होगा वह उसमें भर जाए। ये किसने कहा है? बच्चे ने। हाँ यार ठीक है, सारे बच्चे को लिखा कहा कि हाँ यार ठीक है, सारे बच्चों ने सोच लिया कि ये तुम्हारा कहना सब सही है, बड़ा वाला गड्ढा खोदते हैं, जब भी बारिश होगी तो बारिश का पानी उस गड्ढे में जमा हो जाएगा। फिर बच्चे लाए फावड़ा कड़ाई दाल पसले, क्या कहा उसने भी गड्ढा खोदने के लिए उनको सामान चाहिए था, फावड़ा कड़ाई दाल सारे पसले वो सब कुछ लेकर आ गए। वे जमीन खोदते रहे, क्या कहा कि वहां जमीन खोदते रहे, यानी गड्ढा सारे खोदता रहा, मिट्टी ढोते रहे, यानी सारी मिट्टी इकट्ठा करने लगे, एक तरफ डालने लगे और बड़ा वाला गड्ढा खोदा हुआ बाहर फेंकते रहे। बच्चों को काम करते हुए गांव वालों ने देखा, क्या कहा ये सारे जो बच्चे काम कर रहे थे, बड़ा वाला गड्ढा खोद रहे थे, वो सारा काम करते हुए किसने देखा? गांव वालों ने। वे भी बच्चे के साथ काम करने में जुड़ गए, क्या कहा कि उन्होंने भी बच्चे के साथ जुड़ गए वह काम करने के लिए। कौन सा काम था? गड्ढा खोदने वाला। वो सारे गांव वाले भी आ गए और सारा गड्ढा खोदने लगे। इस तरह बना वह एक बड़ा सा तालाब, उन्होंने गड्ढा खोद खोद के कौन सा बड़ा सा तालाब बना लिया। बरसात के उस तालाब में पानी भरा, बरसात के टाइम जब भी बारिश होती थी तो उस तालाब में पानी भर गया, पानी से खेतों की सिंचाई हुई, वहां पे पानी भरा तालाब में तो उसी तालाब से पानी यानी पानी लेकर खेतों की सिंचाई हुई। खेतों में मक्का और धान लगा रहा है, मक्का और धान यानी चावल गेहूं ये सब कुछ उगाया और खेत दलहने लगे। लोग खुश हुए और बच्चे पानी में छपा छप खूब नहाने लगा। इस ये सब देखकर गांव वाले खुश हो गए, बच्चे भी खुश हो गए, बच्चे भी नहाने के लिए उनको तालाब मिल गया और वो बच्चे से छपा छप उसमें नहाने लगे। मुझे आशा है कि यह चैप्टर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। एक बार फिर से हम साथ साथ देख लेते हैं, पानी यानी जल, नीम और वायु, कमी यानी कि जो अभाव रहता है कमियां रहती है, उपाय यानी युक्ति और तरकीब, प्रार्थना यानी उपासना और विनती, बारिश यानी वर्षा और बरसात, धान यानी कि अन्न यहाँ चावल। यहाँ पे जो मैंने अंग्रेजी शब्द लिखे और दूसरा हिंदी में लिखा है, बी आई लाइक पान यानी कि तसला, शॉय यानी कि उदर, बास्केट यानी कि टोकरी, पान यानी कि कढ़ाई और स्पेड यानी कि फावड़ा। मुझे आशा है कि आपको यह चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ भी ना समझ में आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।